हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अघोषित बिजली कटौती सहित कई मांगों को लेकर भाजपाइयों ने रानीवाड़ा उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। प्रदेश में पिछले कई दिनों से खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कंपनियां द्वारा की जा रही अघोषित विद्युत कटौती सहित कई मांगों को लेकर विधानसभा क्षेत्र रानीवाड़ा के भाजपाइयों ने भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक नारायण सिंह देवल के नेतृत्व में रानीवाड़ा एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। एसडीएम को दिए ज्ञापन में अघोषित विद्युत कटौती से आम जन एवं किसानों को हो रही परेशानी, मानसून के बेरुखी से किसानों की फसलें जल जाने पर भी उनको सिंचाई हेतु कृषि विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति समय पर नहीं होने, प्रदेश के कोयला आधारित विद्युत उत्पादन इकाइयों कोटा थर्मल पावर प्लांट, सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट एवं काली सिंध थर्मल पावर प्लांट सहित कई इकाइयों में विगत कई दिनों से कोयला उपलब्ध नहीं होने के कारण उत्पादन ठप्प होने और बिजली की मांग बढ़ने एवं आपूर्ति कम होने, प्रदेश में प्रतिदिन 1200 मेगावाट बिजली की आवश्यकता के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा मात्र 260 मेगावाट अर्थात आधी बिजली ही उपलब्ध कराने के कारण बिजली संकट खड़ा होने, ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 18 घंटे तक विद्युत कटौती होने, पिछले 3 साल से स्थायी शुल्क फ्यूल सरचार्ज एवं टैरिफ बढ़ाकर आमजन से की जा रही लूट, उपभोक्ताओं पर प्रतिमाह 2500 से लेकर 3000 रुपए तक का अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने, पश्चिमी राजस्थान के जिलों में मॉनसून की बारिश नहीं होने से अकालग्रस्त घोषित कर किसानों को मुआवजा दिलाने, बीमा कंपनियों से सर्वे करवा कर फसल बीमा का क्लेम दिलाने, अकालग्रस्त जिलों में चारे की कमी होने से पशुधन के चारे पानी का संकट खड़ा होने पर शीघ्र नए चारे डिपो खुलवाने, ग्रामीण व किसानों द्वारा बिजली निगम में शिकायत करने पर भी 7-7 दिनों तक समस्या का निवारण नहीं करने जैसी कई समस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। इस दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक नारायण सिंह देवल, जालौर जिला प्रमुख राजेश राणा, जिला मंत्री उक सिंह परमार, रानीवाड़ा मंडल अध्यक्ष रिडमल सिंह दाबी, बड़गांव मंडल अध्यक्ष बाबूलाल पुरोहित, सरनाव पंचायत समिति सदस्य राजू राम जानी, रानीवाड़ा मंडल महामंत्री गोविंद रावल, भाटीप सरपंच हरदान राम डारा, हेमाराम जांगू मौथाकरा। इस दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं स्थानीय विधायक नारायण सिंह देवल, जालौर जिला प्रमुख राजेश राणा, जिला मंत्री उक सिंह परमार, रानीवाड़ा मंडल अध्यक्ष रिडमल सिंह डाबी, बड़गांव मंडल अध्यक्ष बाबूलाल पुरोहित, सरनाव पंचायत समिति सदस्य राजूराम जानी, रानीवाड़ा मंडल महामंत्री गोविंद रावल, भाटीप सरपंच हरदान राम डारा, हेमाराम जांगू मौखातरा, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष शांता विश्रोही, महिला मोर्चा जिला महामंत्री शीला विश्रोही, एससी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष तगाराम झिंगर, गंगा सिंह देवड़ा सुरावा, वन्य सिंह मेढक, पूर्व सरपंच पोपटलाल रावल, लक्ष्मण मेघावल वाडाल, गणेश देवासी कूड़ा, बाबूलाल ढांका सहित कई पदाधिकारी कार्यकर्ता व आमजन उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के रानीवाड़ा से खास रिपोर्ट।